जय श्री राम जी, जय गो माता की। मैं अरविंद भारद्वाज, बजरंग दल सिरसा से। जी, आज की जो स्थिति है वो प्रशासन की नाकामी है। हमने पिछले महीने प्रशासन को ज्ञापन दिया था, डीसी साहब को ज्ञापन दिया था, जिसके अंदर हमने साफ साफ लिखा हुआ था कि जो गऊओं की जो दुर्दशा हो रही है उसके सुधार के लिए हमने प्रशासन को लिखा था कि जितना भी बेसहारा गोवंश शहर के अंदर घूम रहा है उनको भी व्यवस्थित ढंग से गौशाला में पहुंचाया जाए। लेकिन प्रशासन ने इस गऊओं की जो दुर्दशा है उसको नकारा है, हमारी जो समस्याएं हैं उनको नकारा है, गऊओं की समस्याओं को नकारा है, तभी ये स्थिति आज देखने को बन रही है। आज 4 गोवंश एक साथ इकट्ठे मृत पड़े हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण प्रशासन ही है जी। अगर प्रशासन इनको गौशालाओं में भेज देता तो ये स्थिति आती ही ना कभी। आज तो ये गोवंशों ने अपने ऊपर अपनी मृत्यु ले ली, कल को किसी आदमी की भी मृत्यु हो सकती है, किसी बच्चे की भी मृत्यु हो सकती है, कोई और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इस दुर्घटना से बचाने के लिए तो इसका एक ही इलाज है, जितना भी बेसहारा गोवंश है वो प्रशासन नोटिस भेज के गौशालाओं में पहुंचाए। और हमारा रोड जाम करने का भी यही आज मोटिव है कि जब हमने प्रशासन को लिखित रूप में सब कुछ दे दिया, प्रशासन ने उसको अटेस्ट भी कर लिया और प्रशासन ने उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, गोवंश को पहुँचाया नहीं वहाँ पर गौशालाओं में, तो इसलिए हमने रोड जाम किया है। जब तक प्रशासन हमारे को लिखित रूप में नहीं देगा कि हम इनको गौशालाओं में पहुंचा रहे हैं और व्यवस्थित ढंग से इनको रखेंगे, तब तक ये रोड जाम नहीं खुलेगा। तो भाई साहब, आपने 4 गोवंश देखा, क्या लगा आपको? कोई एक्सीडेंट है या किसी को मार के फेंका गया? अगर ये एक्सीडेंट होता तो इनके कमर पे चोट लगती जी, ऊपर के हिस्से पे चोट लगती। इनकी जितनी भी चोट लगी हुई है या तो टांग पे लगी हुई है या पेट के नीचे वाले हिस्से पे लगी हुई है, तो ये एक्सीडेंट नहीं है, ये किसी ना किसी की शरारत है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए पूरे मामले में? इसकी पोस्टमार्टम अभी SHO साहब आए हैं, उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए कहा है, अभी पोस्टमार्टम होगा इनका अभी पोस्टमार्टम होगा। और पोस्टमार्टम के बाद जो जांच का विषय है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, कौन घेर के गया, कैसे घेर के गया, वो कैमरे वगैरह की रिकॉर्डिंग चेक करके उसके बाद ही पता लगेगा। रोड जाम किया है अब आपने जी, तो प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया जी। हम आश्वासन मांग रहे हैं कि हमारे को लिखित रूप में मिले कि जितना भी शहर में बेसहारा गोवंश घूम रहा है उनको व्यवस्थित और अच्छे ढंग से गौशालाओं में पहुंचाया जाएगा ताकि उनकी स्थिति सुधर सके और जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं ये दुर्घटना ना हो। गौ माता यहाँ पर 2 पड़ी हुई हैं, तो इन संबंध में अपने बजरंग दल वाले आपको 2-3 संस्थाएं हैं, उन्होंने जाम लगाया था, जो इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, पर्चा दर्ज कर देंगे, जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार निमस्कार। पहले भी इस तरह के मामले देखे गए हैं? हाँ, पहले भी एक मामला आया था जिसमें जो छोटी बच्ची थी गौ की माता की, तो उसका भी हमने पोस्टमार्टम करवाया था, उसको भी कहीं रास्ते में पार्क के सामने किसी ने डाल दिया था। अब वो जो भी कैमरे हैं ना वो कैमरे सारे चेक कर लेंगे, किस व्हीकल में लेकर आए थे, कैसे लेकर आए थे। सर, 4 गायों का एक साथ मिलना, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है अगर किसी की साजिश है? नहीं, साजिश है तो फिर तो पर्चा दर्ज है। बिल्कुल, लोग घरों में गाय पालते हैं, दूध निकाल कर सड़कों पर छोड़ देते हैं, उन लोगों को क्या चेतावनी देना चाहोगे? तो ये तो जैसे महामूर्ख लोग हैं, हम तो उनके बारे में तो महामूर्ख ही कहेंगे। भाई, दूध दूध पीना जानते हैं, उनकी सेवा भी जब करना जरूरी चाहिए, उनके लिए अपने रहने के लिए उनके लिए स्थान बनाए और वहीं पर उनका चारा का प्रबंध करते हैं, तो नहीं उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई जो भी बनेगी वो कार्रवाई। संस्थानों ने प्रशासन से भी मांग की थी कि इनको गौशाला में भेजा जाए, क्या कुछ इसके बारे में भी सोचा? तो इस संबंध में हम मीटिंग करेंगे, मंगलवार को मीटिंग हमने कह दी है, गौशाला में मीटिंग करें, जितनी भी गौशाला हमारे यहाँ पर शहर में है सत्संग में उनकी सारे की मीटिंग लेंगे, उनको भी निवेदन करेंगे भी आप भी अपने गौशाला में अगर स्थान है तो उनमें जो हमारा हमारी गौ माता घूम रही है उनको वहाँ पर रखा जाएगा।